बिफोर वी गो फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड वॉट डज दिस वर्ड पैराडॉक्स स्टैंड्स फॉर. पैराडॉक्स मीन्स अ कॉन्ट्रडिक्ट्री स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर अ सिचुएशन बट नॉट फॉर द अदर. यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जो एक सिचुएशन के लिए सही है लेकिन वही स्टेटमेंट दूसरी जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है. तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक सिचुएशन पे तो फिट बैठता है लेकिन एक सिचुएशन पे फिट नहीं बैठता, तो ये इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट्री स्टेटमेंट. तो इस तरीके की अगर सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर एक ही चीज़, एक ही एक्टिविटी एक जगह तो फिट बैठ रही है लेकिन वही एक्टिविटी दूसरी जगह पर फिट नहीं हो रही है, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी कंडीशन को हम पैराडॉक्स बोलते हैं. और वी कैन से दैट टू सिचुएशंस विच आर नॉट पॉसिबल टुगेदर, यानी कि दो ऐसी सिचुएशंस जो एक साथ पॉसिबल ना हो. जैसे कि इंसान कहे कि मुझे ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो एक साथ दो जगह पर फिट नहीं हो रहा है, या एक ऐसी एक्टिविटी जो एक साथ दो जगहों पर फिट नहीं हो रही है, या फिर दो ऐसी सिचुएशंस जो एक साथ पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम पैराडॉक्स बोलते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस आर रेफर टू एज दो सिचुएशंस वेयर द फैक्ट्स होल्ड्स ट्रू एट अ माइक्रो लेवल. मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस कहते हैं उन सिचुएशंस को जहां पर कुछ फैक्ट्स तो ट्रू होते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन इंडस्ट्री और अ फर्म और अ बिजनेस, यानी कि एक जगह पर तो वो फिट हो रहे हैं बट डू नॉट होल्ड ट्रू एट द मैक्रो लेवल. लेकिन जब हम उसे पूरी सोसाइटी में वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पर वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पर वही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एग्रीगेट यूनिट्स, तो वहाँ पर वो चीज़ फिट नहीं होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. इसीलिए इसे हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं कि कुछ कोई सिचुएशन हमारी माइक्रो लेवल पर तो एक्सेप्टेबल है बट मैक्रो लेवल पर उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो एक इंडिविजुअल के लिए तो वो सही है लेकिन जब पूरी सोसाइटी वही काम करे तो सही नहीं है, या फिर एक फर्म के लिए वो सही है सिचुएशन लेकिन अगर सारे फर्म वैसे ही बिहेव करेंगे तो हमारे इकोनॉमी के लिए ग्रोथ की जगह उल्टा नुकसान होने लगे. तो इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो उसे हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं, या फिर उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं. पहला पैराडॉक्स जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द रिनोन्ड इकोनॉमिक्स J.M. Keynes. J.M. Keynes का नाम आप सबने सुना होगा. J.M. Keynes ने इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया है. The paradox of thrift refers to a situation in which people tend to save more money. जेम कीन्स का कहना है ये एक इस तरीके की सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं. तो पैसा ज़्यादा सेव करना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कम खर्च करो, सेव ज़्यादा करो, हर एक जगह हर फैमिली में ये बात सिखाई जाती है कि सेव करना चाहिए. बट अगर सब सेव करने लगेंगे, अगर सब ज़्यादा ज़्यादा पैसा सेव करने लगेंगे तो क्या होगा, तो हमारी इकॉनमी में क्या होगा, कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन कम हो जाएगा और लोगों की सेविंग्स बढ़ जाएंगी, देयर बाय लीडिंग टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकॉनमी एज अ होल. और जब सारा का सब लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा दैट मीन्स हमारी एग्रीगेट डिमांड इकॉनमी से कम हो जाएगी. तो यहाँ पर हम वही पैराडॉक्स की बात करेंगे जो अभी हमने पिछले बात की थी कि जो चीज़ माइक्रो लेवल पर भी है, जो एक इंडिविजुअल के लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज मैक्रो लेवल पर भी सही हो और हर एक के लिए सही हो, या पूरी इकोनॉमी उसे उसी तरीके से बिहेव करे तो वो सही हो. दिस लीड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अब जब सब लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करने लगेंगे तो क्या होगा, सब ज्यादा से ज्यादा सेव करने लगे, कंजम्पशन कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया दैट मीन्स डिमांड कम होने लगी. अब जब डिमांड ही नहीं होगी तो लोग प्रोडक्शन कैसे होगा, तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा. And thus decrease in employment. अब जब production कम होगा then it will lead to decrease in employment and income. Employment कम होगा that means income कम होगी which reduces total savings in the economy. और जब हमारी income ही कम होगी तो हमारी savings भी कम होने लगेंगी. This will gradually lead to slow down of the economy. और इससे क्या होगा, हमारी economy आगे बढ़ने की जगह उसकी growth rate slow हो जाएगी.
तो जहां पर एक तरफ से ये कहा जाता है हर इंसान से कि पैसा आप संभाल के खर्च करिए, कंजम्पशन कम करिए, सेविंग ज्यादा करिए, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी के साथ ऐसे ही होने लगे, हर इंसान सेव ज्यादा करने लगे और कंज्यूम कम करने लगे, तो हमारी इकोनॉमी में की जगह स्लो डाउन आ जाएगा। सो वही बात यहाँ पर पैराडॉक्स की हमारी प्रूव हो रही है कि अगर हमारी इकोनॉमी में एक शख्स सेव ज्यादा कर रहा है तो ठीक है, माइक्रो लेवल पर ठीक है, बट अगर सब लोग बहुत ज्यादा सेव करने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह। चलिए इसे एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन सेविंग्स, अगर हमने अपनी सेविंग्स बढ़ाई, अब जैसे कि कोई ऐसी कंडीशन आती है, जो ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कहते हैं कि इस टाइम पर हमें सेव करना चाहिए, आप सबने कोरोना का टाइम देखा, उस टाइम पर हर इंसान ने अपनी सेविंग्स ज्यादा कर दी थी क्योंकि इकॉनमी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई थी, इकॉनमी में अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, तो लोगों को पता नहीं था आगे आने वाले कितने टाइम पीरियड तक हमारे यहाँ लॉकडाउन रहेगा, कितने टाइम लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो लोगों ने अपना कंजम्पशन कम कर दिया था, बहुत लिमिटेड कर दिया था, सिर्फ अपनी नेसेसिटीज तक लिमिटेड करके ले गए थे और अपनी सेविंग्स बढ़ा दी थी। तो जब सेविंग्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। सो इंक्रीज इन सेविंग लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो सेविंग्स इंक्रीज हुई, कंजम्पशन कम हो गया। अब जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। अब हमारी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अब भाई जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस क्या करेंगे, इज वाय इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगेगा, तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, लोगों को जॉब से निकालने लगेगा, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, उन्हें तो अपना एक टर्नओवर चाहिए, उन्हें अपना एक लेवल ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अब जब उन्हें वो देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब से निकालने लगेंगे, तो देयर विल बी डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या होगा, देयर विल बी लेस इनकम, अब लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, कम पैसा रह जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो हम सेव कहाँ से करेंगे, तो हमारी सेविंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारी सेविंग्स भी डिक्रीज होने लगेंगी, देयर विल बी डिक्रीज इन आवर सेविंग्स। अब जब सेविंग्स कम होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन आ जाएगी, रिसेशन की कंडीशन आ जाती है तो इकोनॉमी वैसे ही एक इम्बैलेंस बन जाता है, तो जब रिसेशन की कंडीशन आती है तो लोग फिर सेव ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता नहीं कि इस कंडीशन में हमें कब तक रहना है, तो इस कंजम्पशन को कम करने लगते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ाने लगते हैं। सो ये हम एक इस तरीके के एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं, जो हम जहाँ से चलते हैं और फिर वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो लास्ट की हमारी तीन स्टेजेस हैं ये आती ही नहीं, एंड देयर विल बी लेस कंजम्पशन विल लीड टू लेस डिमांड विल लीड टू लेस प्रोडक्शन विल लीड टू लेस एम्प्लॉयमेंट, एंड लेस एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू लेस इनकम, एंड व्हेन देयर विल बी लेस इनकम तो क्या होगा, देयर विल बी लेस कंजम्पशन। तो हमारी ये बीच की तीन स्टेजेस रही जाती हैं, हम यहाँ से सीधे सीधे इस कंडीशन पर आ जाते हैं। सो अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, हम एक एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं और इससे निकल नहीं पाते, दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नॉर्मली सेविंग हैबिट्स चेंज ड्यूरिंग रिसेशन, ज्यादातर इस तरह की कंडीशन कब हम देखने को मिलती है, रिसेशन के टाइम पर, या कोई कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि हमने देखा COVID-19 की सिचुएशन, जहां पर बहुत अनसर्टेनिटी थी, कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा, सो ऐसी कंडीशन में लोग सेव ज्यादा करते हैं। सेविंग मोर इज गुड एट अ माइक्रो लेवल, जो अभी बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि दैट इज गुड एट अ माइक्रो लेवल, यानी कि एक इंसान के लिए सही है, दो इंसान के लिए सही है, एक आध लोग सेव ज्यादा करें उनके लिए सही है, बट लीड टू अ डिजास्टर एट अ मैक्रो लेवल, बट जब सब लोग वही काम करने लगते हैं लीड्स टू अ डिजास्टर, दैट इज वाई दिस पैराडॉक्स इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। इसीलिए हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को एक और नाम से जानते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। सच एक्टिविटी विल पॉसिबली लीड टू मेक द रिसेशन वर्स, और ऐसी कंडीशन में हम रिसेशन से बाहर आने की जगह रिसेशन में और बुरी तरीके से फंसते चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या फिर पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। दूसरे टाइप का जो पैराडॉक्स है उसे हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स।
द कंसेप्ट ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स वॉज गिवन बाय द रिनोन्ड इकोनॉमिक्स ए सी पीगू. ये ए सी पीगू का भी नाम हम सब लोग जानते हैं. इकोनॉमिक्स में इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थेरीज दी हैं. वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स का भी क्रेडिट ए सी पीगू को जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अ कट इन द मनी वेजेस एट अ टाइम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के टाइम पर जब हम मनी वेजेस को कट करते हैं देन इट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और उससे क्या होता है कि हम इस तरीके से जब वेज कट करते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं. मतलब डिप्रेशन कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज हमने एक शख्स को एम्प्लॉय कर रखा है अपने यहाँ 2,000 रुपये पे, वहाँ पर अब हमें मनी वेजेस कट करनी है तो हम क्या करेंगे 500-500 रुपये पे 4 लोगों को एम्प्लॉय कर लेंगे अपने यहाँ. उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा एंड देयर बाय एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन. और डिप्रेशन की कंडीशन से हम बाहर आ सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. अब हमने एक की जगह 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो जब हम एक की जगह 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आने लगेगी. Now it is true that at the micro level, a cut in the money wages in an individual industry will lead to more employment in that industry. अब ये micro level पर तो ठीक है, यानी कि एक industry के लिए या एक firm के लिए या एक business के लिए, कि ये तो ये ठीक है कि आपने money wages को कम किया और जगह कई लोगों को employment दे दिया. But what is good at the micro level may not be good at the macro level. बट जो चीज़ माइक्रो लेवल पर ठीक है वो ज़रूरी नहीं है मैक्रो लेवल पर भी ठीक हो. मनी वेजेस आर कट एट अ मैक्रो लेवल. अब क्या हो, मैक्रो लेवल पर भी मनी वेजेस कट होने लगे, यानी कि सब इंडस्ट्रीज ऐसा करने लगे, सारे फर्म्स ऐसा ही करने लगे. द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी विल डिक्लाइन. अब यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ने की जगह और कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पहले एक इंसान था जो 2,000 रुपये पे एम्प्लॉयड था, वो अपने खर्चे भी करता था, अपने बीवी बच्चों को भी पालता था, अपने पास कुछ अमाउंट सेव भी कर लेता था, इकोनॉमी चल रही थी आगे आगे. अब हमने क्या किया, एक की जगह एम्प्लॉयमेंट तो 4 लोगों को दे दिया लेकिन हर एक के पास 500 रुपये हैं तो 500 रुपये में उनको अपना घर ही चलाना मुश्किल हो रहा है तो वो सेव कहाँ से करेंगे. तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी की जो टोटल डिमांड है वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगी. सिंस द डिमांड फॉर लेबर इज द डिराइव डिमांड. अब लेबर की डिमांड जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, डिराइव डिमांड होती है. डिराइव डिमांड का मतलब है जो किसी और चीज़ के बढ़ने की वजह से किसी और चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसे हम डिराइव डिमांड कहते हैं. तो जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमें लेबर की भी डिमांड होगी क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है तो हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे. सो सिंस द डिमांड फॉर लेबर इज द डिराइव डिमांड दस फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स विल रिजल्ट इन फॉल इन द डिमांड फॉर लेबर. अब क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ही कम हो गई, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो लेबर की डिमांड कहाँ से होगी, विच विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट रेदर देन रिड्यूस इट. अब क्या होगा, जब हम लेबर एम्प्लॉय ही नहीं कर पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने की जगह और बढ़ने लगेगी. तो हमने शुरुआत की थी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए, एक की जगह 4 लोगों को एम्प्लॉय किया था लेकिन हम वापस घूम फिर के एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने की जगह उल्टा बढ़ने लगी. फिर हमें ये बात समझ में आती है कि जो चीज माइक्रो लेवल पर सही है वो जरूरी नहीं है मैक्रो लेवल पर सही हो. ये एक इंडस्ट्री, एक फर्म, एक बिजनेस तक के लिए तो ठीक है, बट अगर सब लोग सारी इंडस्ट्री, सारे फर्म, सारे बिजनेस यही टेक्निक करने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करने की जगह उल्टा स्लो डाउन हो जाएगी और बल्कि हम डिप्रेशन में फंस जाएंगे. इसे एक कर्व से समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन देयर आर लो वेजेस, हमने क्या किया, वेजेस को लो कर दिया, वेजेस लो की तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंजम्पशन लेस हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है. जब ज़रूरियात को ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो सेव कहाँ से करेंगे. सो देर विल बी लेस कंजम्पशन, लेस कंजम्पशन विल लीड टू लेस डिमांड. अब जब पैसा ही नहीं है, डिमांड कंजम्पशन ही नहीं कर पा रहे तो डिमांड कहाँ होगी, डिमांड कम हो जाएगी. लेस डिमांड विल लीड टू लेस प्रोडक्शन. अब हमारे जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, विल क्रिएट टू लेस प्रोडक्शन. लेस प्रोडक्शन विल
अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस इन एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास पैसा नहीं है, कॉर्पोरेट को तो प्रॉफिट चाहिए, उन्हें अपना एक टर्नओवर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल देंगे जॉब से, कम लोगों से काम चलाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जगह उल्टा कम हो गई। जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वी विल कम टू अ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। नाउ दिस हैज़ लीड टू द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन कंडीशन आ गई, डिप्रेशन कंडीशन आ गई तो फिर हमें वहां से निकलने के लिए क्या करना है, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। फिर हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या करेंगे, एक की जगह चार लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर देंगे, फिर मनी वेजेस को हमने कट कर दिया, फिर हम इसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो चीज़ माइक्रो लेवल पर ठीक है वो मैक्रो लेवल पर फिट नहीं बैठ रही, तो हम इसी चक्रव्यूह में घूमते रह जाएंगे, और यहाँ से निकलने की जगह हमारी इकोनॉमी ग्रो करने की जगह और वापरेशन की तरफ ही जाने लगेगी। दस फॉर अ सोसाइटी और द इकोनॉमी एज अ होल दिस इज हाईली मिसलीडिंग सॉल्यूशन टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज अ वेरी मिसलीडिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर एक इंडस्ट्री ऐसा कर रही है तो वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल नहीं क्रिएट कर रही, बल्कि दूसरे को एक मिसलीड कर रही है। मिसलीडिंग सिचुएशन से क्या होगा, सब लोग यही टेक्निक अगर ऑप्ट करने लगेंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की जगह उल्टा बढ़ने लगेगी और हमारी इकोनॉमी वॉशन में चली जाएगी। इसी को कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और अगर आप किसी स्पेशल